हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फूडी मूडी में आपका बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी मैंगो शेक। मैंगो शेक ये सबको पसंद आता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंगो शेक बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 2 बड़े कप हमने वनीला आइसक्रीम लिया है, 1 मीडियम साइज़ का मैंगो लिया है। शुगर आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन मुताबिक ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच रोज़ सिरप लिए हैं। मैंगो का मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो सबसे पहले मिल्क क्रीम को मिक्सी जार में डालेंगे। मैंने इसमें मिल्क क्रीम को 4 चम्मच इसमें डाला है। 4 चम्मच मैं मैंगो लूँगी। अब इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर भी मैं 4 चम्मच इसमें डालूँगी। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब इसमें इलायची ऐड करूँगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1/2 ग्लास दूध डालूंगी और मिक्सी में अच्छे से इसे पीस लूँगी। देखिए ये अच्छे से पीस गया है। अब इसे 1 ग्लास में अलग करूँगी और जो बाकी के मैंगोज शेक बचे हों उसे अलग एक जार में रखूँगी। इसमें कटे हुए आम ऐड करूंगी। अब इसमें थोड़ी सी वेनिला आइसक्रीम डालूंगी। अब इसमें 2 बड़े चम्मच रोज सिरप डालूंगी। रोज सिरप डालने से इसका टेस्ट यम्मी सा हो जाता है और ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर से रोज सिरप डालें। अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। थोड़े से रोज सिरप ऊपर से फिर से डालूंगी। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून रोज सिरप डाला है। अब मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम डालूंगी। मिल्क क्रीम को ऊपर से अच्छे से इसमें डाल के इसको सर्व करूंगी। देखिए ये रेडी हो गया है। देखिए देखने में ये कितना टेस्टी, कितना यम्मी सा लग रहा है। देखिए इस तरीके से आप प्लीज़ इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप बनाएं, आप भी पिए, अपनी फैमिली को पिलाएं और मुझे बताएं, मुझे शेयर करें आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।